Highway, highway, this is my way. बल्लू, फिल वेट हो गए मिठाई खा. ये पुरानी मिठाई है ये. हाँ तो दिल जले की मिठाई है. गोलमाल हिट हुई है, उसकी मिठाई बांटो सर. अरे उसके पैसे तो अभी भी आ रहे हैं, गिरती चालू है. मैंने इन लोगों को 10-10 करोड़ दिए. 10-10 करोड़ दिए आप तीनों को? गिनने के लिए. वैसे मलिश का कहा है? एक मिनट, कोई नहीं बताएगा, मैं खुद बताऊंगा. बदबू यहां से आ रही है. वैसे मलिश्का, नहीं ये बात मैं बोलने वाला नहीं था. इसके लिए मुझे बलराज ने 1000 रुपए दिए. मैंने इसे साफ मना कर दिया. मैंने कहा जो चीज मैं दिल से करना चाहता हूं उसके पैसे नहीं लूंगा. सर देखो, मैं पहले भी बोल चुका, मजाक अपनी जगह, लेकिन बहुत ज्यादा प्यारी है यार मलिश्का, बहुत प्यारी है. झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझे, झूठ बर्दाश्त नहीं होता, झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझे. सर आपको नहीं लगता कि ये बहुत पुराना हो गया, झूठ बर्दाश्त नहीं होता? अच्छा, कुछ नया? इसको देख के भूत बर्दाश्त नहीं होता मुझे, भूत बर्दाश्त नहीं होता, भूत बर्दाश्त नहीं होता. चले सर, आप चारों एक साथ फिल्म में थे ना? जी. प्रमोशन के लिए चारों को आना चाहिए था, वो तीनों तो टाइम पे आ गए, आप लेट क्यों आए भाई? मैं ड्राइव करके आया हूँ ना, इसलिए देर हो गई. वो पैदल आए, जल्दी पहुंच गए आप ड्राइव कर. नहीं नहीं, मैं ऐसे ड्राइव करता हूँ ना तो ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं, उन्हें लगता है मैं फोन पे बातें कर रहा हूँ. तो सर आप एक बात बताइए, आप यहाँ करने क्या हैं? मैं यहाँ पे तुषार की बहुत तारीफ करने आया हूँ. क्या बात कर रहे हैं? हम दोनों ने एक साथ पे 110 फिल्में की है. 110 10 फिल्में की आप दोनों ने एक साथ? हाँ, 100 मेरी रिलीज हो गई, 10 इसकी बाकी है. सर हमने सुना कि कुणाल जी भी आपके बहुत बड़े फैन हैं. अरे कुणाल के बारे में क्या कहूँ, ये तो हमेशा मेरी तारीफ करता रहता है. मुझे कहता है कि मेरे राजा हिंदुस्तानी में बहुत अच्छा काम किया है मैंने. उसमें आप नहीं थे, उसमें आमिर खान थे. अच्छा, मैं नहीं था. मेरे वही तारीफ सुन के तो इसे गोलमाल में कास्ट करवाया है. झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझे, झूठ बर्दाश्त नहीं होता. आपने बोला था कि मैं तुम्हारे शो में आगे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ. मैं सच में दिल की बात बताना चाहता हूँ कि कॉमेडी इंडस्ट्री बस तीन लोगों की वजह से चल रही है. किसकी? मलिश्का, रघु, बलराज. ध्यान से सुनना. मुबीन, मुबीन, मुबीन. दिल से मैं इन लोगों को बहुत पसंद करता हूँ बलराज. जाते जाते इन तीनों के आने की खुशी में ये ले मेरी छोटी वाली कार की चाबी, क्योंकि बड़ी वाली बाहर है. बड़ी वाली बाहर है? हाँ, तेरी औकात के बाहर है. तू टीवी पर, तेरे को यहाँ भी नहीं देख रहे हैं, तो कैसे चलेगा तेरा? बलराज यार अपनी फालतू बातें बंद कर और अपना काम कर प्लीज. सर काम ही कर रहा हूँ, मतलब तेरे को पता है, काम से मेरे को एक बात याद आई है. तू ना हाइव स्टार ऐप डाउनलोड कर ले. क्यों? उससे तेरा टैलेंट पूरी दुनिया देखेगी. कुछ कैसे? पूछ रही हूँ कैसे. हाइव स्टार ऐप डाउनलोड कर और उसके ऊपर अपने टैलेंट का 15 सेकंड का वीडियो बना के अपलोड कर दे. और कमाल की बात यह है कि जो भी तेरे को वहां पर फ्लेम्स मिलेंगे ना, उतने पैसे तेरे अकाउंट में आ जाएंगे. क्या बात कर रहा है? सच कह रहा हूँ. देख, तेरा टैलेंट हमने तो देख लिया. हाँ. अब मौका है पूरी दुनिया को दिखाने का. तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर ले, हाइव स्टार ऐप. और हाँ, iPhone 8 जीतने का मौका भी है. हाय, गरीबी हट गई. तो क्या डाउनलोड करेंगे? हाइव स्टार ऐप. सुपर, थैंक यू. आप लोग यहाँ पर बड़ी सारी सच्चाइयां बता रहे हैं. नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट द ट्रूथ एंड डेयर. ओके, ओनली तुषार टॉक्स. हेलो. हाय जीना, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल. मुझे आपसे एक आज कुछ कन्फेस करना है. टेल टेल. मेरा आप पर बचपन से क्रश था, मतलब बचपन से मैं आप पर, मतलब बहुत, मैं आपसे बहुत प्यार करता था और मेरा क्रश था आप पर. सॉरी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि बचपन से मुझ मेरा आप पर क्रश था. What are you saying? हाँ जीना, बचपन से मैं पागल था आपके लिए. Really now? Yeah. How are you? How are things? All good, all good, all good, all good, all good. Yours or mine? Your childhood or my childhood? My childhood. अच्छा, nice no? I'm yeah. So glad. कभी नहीं, never. ये पानी में कलर्स मिला के पी रहा हूँ मैं, कलर्स. अब तुम सब साले सुन लो,
मेरी रगों में कलर्स दौड़ता है, कलर्स। क्या श्रेयस, उधर क्या रखा है? एक मिनट, अभी तेरा अटेंशन लेता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं मार दूंगा, मैं जान से मार दूंगा। कुणाल भाई ऐसा करो, ये रखो अपने पास, इधर किडनी में चाकू मारो मेरे को अभी। जी के मार दो, मार दो, कुछ नहीं होगा। अरे लोहे का, लोखंड का है मेरा किडनी, मेरे को कुछ नहीं होता है। ये जो तुम्हारे बगल में श्रेयस भाई बैठे ले ना, एक बीवी होने के बावजूद मेरी माशूका छीन ली इन्होंने। मैंने? हाँ अपने। इससे कुछ नहीं होगा, इस आदमी का दिल भी पत्थर का है। मैं बताता हूँ मसला क्या है। एक दिन ये श्रेयस भाई ना मेरी कॉलोनी में आए, मेरी गर्लफ्रेंड इनकी बहुत बड़ी फैन है, अजी बोलती है ओ माय गॉड टल पड़े। आपने अभी इनके आने से पहले बताया था कि हमारे शो में जो सिंगर इतने कमाल गाते हैं, कुछ तो मेरी फिल्मों में भी गा रहे हैं। हाँ। इनके साथ कभी काम नहीं किया, सच बताइए क्यों? हाँ शंकर जी, मैंने क्यों नहीं काम किया अभी तक? नेशन वॉन्ट, सुनो, 2018 खत्म होने से पहले मोनाली ठाकुर मेरे लिए गाना गाए। क्या बात है! और ये गाना मिलने के लिए अगर आप लोग समझते हो कि यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, जी सर, तो वो बिल्कुल सही है। सही है। yeah. मोनाली, ये फोन है, अपने मैनेजर को फायर कर दो। जब काम ही तुम्हारे लिए मैंने लेके आना है तो फिर पति अच्छा मैनेज करते हैं, पता है, उसको निकाल दो। गाना गाने के लिए शादी करनी पड़ती है ना? मैंने 3 तलाक लिए शो करने के लिए, आप एक शादी नहीं कर सकती? तो आपके पास टाइम है? एक मिनट यार, सीरियस सवाल चल रहा है। क्यों मैं? हाँ? टाइम क्यों? किसके लिए? नहीं, कॉफी पीने जाना था इसलिए पूछ रहा। मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ, शंकर जी आपको भी बाय द वे। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे घर में एक नया कॉफी मशीन आया है जो मैं बहुत महीनों से, एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 साल से वेट कर रही थी। तुम कॉफी पीने जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग आ जाओ। तो अगर जहर पिलाना है तो वैसे ही इधर ही दे दो ना, घर पे पिला के क्यों पिला रही है? अरे कॉफी पिला रही है, 1 साल से मैंने यूज नहीं किया है। अरे यूज नहीं किया, नहीं मिला नहीं, क्या सुन रहे हैं? मतलब कमाल है। अरे गलत सुना, मैंने बोला 1 साल से कोशिश कर रही थी लाने की। अच्छा। इसमें मुझे कैपेचिनो मिले, माकियातो मिले, सब कुछ मिले। बाकी आंखों मिले, पता था मुझे यही कुछ बोलना। मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे बुलाओ, मैं लाते के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा है। बड़ा, हम राइजिंग स्टार के बारे में सर से पूछ रहे थे कि कभी कभी होता है कि मतलब आपको कोई कंटेस्टेंट ज्यादा पसंद है और मोनाली को पसंद नहीं है और रिजेक्ट हो गए, तो आप क्या करते हो इनको मनाने के लिए? मैं तो दिस इज नॉट नाइस, मैं तो पर्सनली गुस्सा हो गई। मतलब ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ तो ग्रुप लास्ट टाइम आउट हो गया था मेरे को, ये लोग इतना अच्छा गाते हैं, कैसे आप लोगों ने, इट्स लाइक फाइट ही हो जाता है। तो बात बात नहीं करते हो आप शंकर सर से? अच्छा, मतलब एटीट्यूड देखे कि वॉकआउट वॉकआउट? मैं शंकर जी का एटीट्यूड क्या क्या हो रहा है, वो क्या रहा है? तो ऐसी क्या गलत कंपोजिशन वाले मुंह से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है तू? मैं तो भाई नारद मुनि बन रहा हूँ, मेरा क्या जा रहा है? गलत कंपोजिशन वाला वो। अभी अंतरा निकाल के तेरे मुंह पे मारेंगे पता गाने का। उसको भी पता है कि अंतरा मेरे मुंह पे मारेंगे क्योंकि जिसका मुखड़ा खराब हो उसको अंतरा कैसे मारेंगे ना। शंकर सर, एक सवाल मोनाली से पूछना चाहता हूँ। मोनाली, आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, इतनी प्रिटी लगती हैं आप, तो कभी सिर्फ अपनी ड्रेस दिखाने के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया आपने किसी को? आप चाहते हो कि मैं दूँ? नहीं, आपने कभी शो पे किया ऐसा कि सिर्फ ड्रेस दिखाने के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया कि हाय स्पॉन्सर ने बोला? ड्रेस ना दिखाने के लिए बैठी रही। यस यस सो मच, क्योंकि मैं इतनी अनकंफर्टेबल थी कपड़े में कि अगर खड़ी होंगी पता नहीं कि स्कर्ट का कुछ हो जाए। सॉरी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा होता रहता है। सर, प्रेशर तो बहुत होता होगा ना लाइव का, कि जा नहीं सकते उठ के, कितना भी प्रेशर हो। बॉस, ये था प्रॉब्लम? नहीं, कहा नहीं है, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, ये होता है। होता है ना, ये होता ही है। तो फिर क्या करते हो? सबको होता है। तो क्या करते हो आप? बैठे रहो और क्या। सोच की दीवार उड़ते उड़ते कहीं अपनी इज्जत की दीवार ना गिर जाए। ये मेरा बेटा है एक्चुअल में। अरे? जब भी शादी की बात होती है ये आ जाता है सत्यानाश करने, पता नहीं कहाँ से। बट एक मेरे को बड़ी अच्छी बात लगती है, इधर आओ। सबसे हाथ मिलाया लेकिन बाप को हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट दे रहा है, वेरी गुड। रिस्पेक्ट नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज स्कूल की फीस भर दो यार मेरी। हाथ जोड़ रहा हूँ। ये मतलब इतना कंजूस बाप है ना मेरा। आप लोगों के माँ बाप
टिफिन में क्या देते हैं, रोटी देते हैं, पराठे देते हैं, इडली देते हैं, और एक मेरा बाप है टिफिन में चाकू देता है। कहता है दो बार धमकी देके टिफिन मांगना, ना दे तो जेल का खाना भी बुरा नहीं होता। बल्ली सबके सामने ऐसे नहीं बोलते, याद है जब तू छोटा था मैं तेरे को गोद में उठा के घूमता था, कितना प्यार करता था। हाँ पूरी बात भी तो बताओ, गोद में उठा के घुमाते नहीं थे, कमाते थे।